हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। अच्छा भाई, तो बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि भाई क्या हालात हैं, जॉब कैसी चल रही है, वर्क इन्वायरमेंट कैसा है, या काफ़ी चीज़ें कैसी हैं, अकाउंटेंट्स की डिमांड क्या है कनाडा के अंदर, ऑडिटर्स की क्या डिमांड है, फाइनेंशियल एनालिस्ट की क्या डिमांड है, या कहने को ये कह दूँ कि भाई वाई Accountants prefer Canada over any other country in the world. So इस चीज़ का जवाब मैं एक्चुअली इस वीडियो में आज दूंगा, तो पूरी वीडियो एंड तक चेक करें। एक्चुअली मैंने कुछ 2-3 पॉइंट जो है वो मेजर आइडेंटिफाई किए हैं, जो मुझे ऐसा लग रहा है यार ग्लोबली बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। So why accountants prefer Canada over any other country in the world? Let's go into the video. ओके गाइज, तो सबसे पहले ये बात कर लो कि भाई दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, पढ़ लिख कर आप यही एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे जो जॉब लगेगी वो अच्छी लगेगी। जॉब अच्छी लगने का मतलब ये होता है कि आपको सैलरी अच्छी मिलेगी, आपके पास फाइनेंशियल बेनिफिट ज़्यादा अच्छे होंगे। तो अगर मैं कनाडा की प्रेसाइजली बात करूँ तो ओवर द ग्लोब पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो कनाडा के अंदर, कनाडा को प्रेसाइजली देखूँ तो कनाडा एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, राइट। अभी वो इमिग्रेंट्स को इसीलिए एक्सेप्ट करेगी क्योंकि उनको ग्रो करना है, इमिग्रेशन ग्रो कर रहे हैं, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। इसी तरह फाइनेंशियल सर्विसेज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ऑडिट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, अकाउंटेंट्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, फाइनेंशियल एनालिस्ट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो गाइस उस बेसिस पे कंसिडर करते हुए यहाँ पे एक मिनिमम वेज रेट सेट हुआ होता है कि यार इतना तो एक लेबर को, एक बंदे को, काम करने वाले को मिलेगा ही मिलेगा। फॉर इंस्टेंस अगर मैं बोलूँ यार कि कनाडा के अंदर एक मिनिमम वेज रेट जो है वो क्या है, पर आर, पर घंटों का हिसाब होता है यहाँ पे। तो एटलीस्ट $15 तो हर बंदे को, चाहे मजदूर हो चाहे कुछ भी हो, वो $15 तो उसको मिलते ही मिलते हैं। अगर मैक्सिमम की बात करूँ तो वो आपके प्रोफेशन पे डिपेंड करता है कि आपको कितने मिलते हैं। बट इफ़ यू टॉक अबाउट प्रिसाइजली फॉर द अकाउंटेंट्स, तो अकाउंटेंट्स का जो वेज रेट पर आर जो शुरू होता है वो कनाडा में सारे ही प्रोविंसेस में बहुत अच्छा, अकाउंटेंट्स का जो है वो, ऑडिटर्स का जो है, जो फाइनेंशियल एनालिस्ट का है, जो अकाउंट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड है, उनका अराउंड $25 से स्टार्ट होता है और वो $50, $60, $70 पर आर तक जाता है, पर घंटे तक। तो इट मीन्स कि अगर मैं एनुअली क्यूमुलेट करूं कि यार आप एनुअली कितना काम करते हो तो एनुअली आपकी कितनी सैलरीज वगैरह बन जाती हैं, तो मैं अगेन वही बात बता रहा हूं कि डिपेंड करता है प्रोफाइल टू प्रोफाइल। बट एक नंबर मैं आप लोगों को बता दूं कि $60,000 से, चलो $50,000 से अराउंड $100,000 एंड अबव तक जो है इनका जो एक्चुअली नंबर्स हैं वो ज़रूर जाते हैं। तो गाइज वेज रेट ऑफ अकाउंटेंट्स इन कनाडा इज़ कंपैरेटिवली हाई इन कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। तो बहुत ही एक अच्छा फैक्टर है कि वाई अकाउंटेंट्स प्रेफर कनाडा ओवर एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। सो दिट इज़ द मेन पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई वेज रेट पर आर या लेबर रेट या सैलरीज या एनुअल सैलरीज जो है वो बहुत अच्छी हैं कंपैरेटिव टू एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। गाइज तो आई थिंक ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम लोग ये पॉइंट कंसिडर नहीं करते। अच्छा, ऑडिटर्स, फाइनेंशियल एनालिस्ट या फिर अकाउंटेंट्स वगैरह का जो होता है वो एक प्रिसाइजली एक सीजन्स होते हैं कि भाई जब जिस ईयर जो है, जिस मंथ ऑफ ईयर में आपको टैक्स फाइल करना है, या कभी क्लोजिंग हो रही होती हैं, जैसे बैंक्स में होता है कि भाई 30 जून या 31 दिसंबर को क्लोजिंग्स होती हैं, तो वर्कलोड ज़्यादा होता है। ये सारी चीज़ें होता है और पूरा साल क्या होता है क्या नहीं होता, तो वर्कलोड जो है वो एक्चुअली हिट करता है आपके वर्क लाइफ बैलेंस को। तो वर्क लाइफ बैलेंस जब आपकी हिट होती है तो आप मेंटली बहुत स्ट्रेस में होते हो, और मेंटली स्ट्रेस होने की वजह से एक तो आपके ऊपर टास्क, जॉब जो है वो इतनी प्रेशराइज आपको कर दिया जाता है कि यार आपको ये भी करना है ये भी करना है, आप रातों रातों जाग जाग के काम कर रहे होते हो, राइट। दूसरी चीज़ आपकी वजह ये होती है कि आप ये सोच रहे होते हो कि यार मेरी वर्क लाइफ बैलेंस, मेरी फैमिली, मेरे रिश्तेदार, उनको मैं तो किसी को टाइम दे नहीं पा रहा हूँ। अब यहाँ पर आपके रिश्तेदार तो इतने होते नहीं हैं एग्जैक्टली, बट फैमिलीज़ वगैरह जो है वो तो आपकी होती हैं, राइट। तो आप फैमिलीज़ वगैरह को आप इनिशियली तो आपके पास नहीं होती, बट आप अल्टीमेटली बुला लेते हो। तो वर्क लाइफ बैलेंस आई वुड से इन कनाडा इज़ प्रेफरेबली गुड इन कंपेयर टू एनी अदर कंट्री, क्योंकि अगर मैं आपको वर्क लाइफ बैलेंस बता दूं तो वर्क लाइफ बैलेंस को मैं इस तरह कंपेयर करता हूं कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 37.5 to 40 आवर्स, या बहुत ही पीक सीजन होता है तो 45 आवर्स पर वीक, जिसका मतलब है खाली 8 घंटे बंदे को वर्क अलाउड है। और उससे ज़्यादा अगर वो करता है तो उसको ओवर टाइम सैलरीज जो है वो पर घंटे के हिसाब से ओवर टाइम जो है उसको मिलता है। सो दिस इज़ द बेनिफिट फॉर अकाउंटेंट्स जो पूरी दुनिया में, आप मिडल ईस्ट में ले लो, आप इंडिया पाकिस्तान में ले लो, देयर लाइफ इज़ रियली मिजरेबल। क्योंकि मैंने खुद ऑडिट फील्ड में पाकिस्तान में काम किया है, तो हम लोग रात को 2-3-4 बजे भी आ रहे होते थे जब पीक सीज़न होता था। ऑब्वियसली वैसे नॉर्मली तो सही था, बट ऑब्वियसली स्ट्रेस होता था जॉब पे, जो कि कंपैरेटिवली यहाँ पे मैंने फील किया कि इतनी जगहों पे नहीं है। और मैंने काफ़ी लोगों से पूछा भी, तो उन लोगों ने मुझे यही किया कि यार इतना ज़्यादा नहीं है, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, बंदे खुश रहते हैं, इतना स्ट्रेस नहीं लेते जॉब पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वाई अकाउंटेंट्स प्रेफर कैनेडा ओवर एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। वर्क लाइफ बैलेंस के साथ वर्किंग कल्चर, वर्किंग इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग, बहुत सारे लोग मुझे एग्री करोगे कि हमारे मिडिल ईस्ट में, हमारी जो कंट्रीज जिधर से हम लोग आ रहे होते हैं, पाकिस्तान, इंडिया से या कहीं से भी हम लोग जो आ रहे होते हैं, दुबई से, सऊदी अरब से, उधर से हमारा जो मैं कह लूँ वर्किंग कल्चर होता है वो इतना एग्जॉस्ट होता है तो कि आपको पता होता है कि यार आपके बराबर वाला जो है वो आपकी बैक बाइटिंग कर रहा है, या मैनेजर जो है वो बेस्ड ऑन रिलीजन, बेस्ड ऑन कास्ट, बेस्ड ऑन कल्चर, वो आपको, दूसरों को सुपीरियॉरिटी दे रहे होते हैं और आपको नहीं दे रहे होते। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा आई थिंक मेजर पॉइंट है जो मैंने पर्सनली फ़ील किया। मैंने, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट मुझे 1 साल होने वाला है, तो मैंने ये पर्सनली फ़ील किया कि यार ये बहुत ज़्यादा जो है ये ऐसा पॉइंट है कि लोगों का यहाँ पे जो वर्किंग कल्चर है वो रिस्पेक्टफुल है। आप चाहे जूनियर से जूनियर पोजीशन पे भी हो, सीनियर से सीनियर पोजीशन पे भी हो, वो आपको सर या मैडम नहीं, आपको नाम से बुलाएगा। जब आपको वो नाम से बुलाएगा तो आप और वो, आप पोजीशन में, सैलरीज में भले आप उससे जितने भी सीनियर हो, लेकिन वो आपको उसी तरह रिस्पेक्ट देगा जिस तरह आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो। तो आई डोंट थिंक कि यार ये कोई प्रेफर कर सकता है कि यार मैं जाऊं और मुझे, जिसे कहते हैं ना कि यार जूते की नोक पे रखना। तो बहुत सारे लोग जो है वो हमारी जो कंट्रीज़ में, वो इस बात को एग्री करेंगे कि भाई जूते की नोक पे रखा जाता है, कि भाई सैलरी दे रहे हैं, से काम भी पूरा निचोड़ लो, जिसे कहते हैं ना यार निचोड़ लो उसको पूरा, तो वो निचोड़ देते हैं। बट ठीक है भाई, काम यहाँ पे भी है, आपको उसके वेज रेट मिल रही है। अगर आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, आप उसको घंटे के, आपको ऊपर के पैसे मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। अगर आप फॉर इंस्टेंस आपने 8 घंटे काम किया, लेकिन 2 घंटे आप एक्स्ट्रा लगाते हो, तो आपकी सैलरी जो है वो 1 घंटा, आपको उतना ही घंटा पर रेट मिलेगी जो आपको मिलती है नॉर्मली, और 0.5 आपको ज़्यादा मिलेगी क्योंकि आपने ओवर टाइम लगाया दिन में, तो आपको फाइनेंशियल बेनिफिट उसका मिलता है। तो वर्क लाइफ बैलेंस के साथ साथ वर्किंग कल्चर, जहाँ आप काम करते हो वहाँ पे भी आप स्ट्रेस में होते हो, यार ये कोई मेरी बैक बाइटिंग तो नहीं कर रहा, कोई गलत तो नहीं बोल रहा, या प्रोमोशन के वक्त कोई ये सारी चीज़ें तो नहीं हो रही हैं। तो गाइस ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वाई अकाउंटेंट्स, फाइनेंशियल ऑडिटर्स, फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड मेनी पीपल who wants to migrate to Canada prefer Canada over any other country in the world. So that is the major, I think one of the most point that would consider कि यार ये important point है. So I would wrap up 3 points. सबसे पहला point मैंने बोला कि wage rate, annual salary is pretty good here for accountants for any job, right? Comparatively अच्छी है क्योंकि एक minimum wage rate का criteria government का set है, तो it's good. Second point is work-life balance. Work-life balance 8 hours पर डे, दैट्स इट। अगर ऊपर कराएंगे आपसे 2 घंटा 3 घंटा काम एक्स्ट्रा कराएंगे तो आपको उसका वेज रेट अच्छा देंगे, 1.5 टाइम्स से सैलरी देंगे। और जो वेज रेट है वो एटलीस्ट $25 से फिर 50-60, आप CPA क्वालिफाइड हो जाते हो इन माय फील्ड, या आप CFA होते हो, या कोई भी और एक्स्ट्रा फील्ड में जाते हो, तो योर वेज रेट गोज़ अप, राइट? विद द एक्सपीरियंस इट ऑल्सो गोज़ अप, राइट? उसके बाद आपका वर्किंग कल्चर, में क्या एक्सपेक्ट करते हो कि रिस्पेक्ट, राइट? सो रिस्पेक्ट इज़ देयर फॉर एवरी वन, एंड लर्निंग पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा होता है। मैं ये ऐड करता हुआ चलूँ कि लर्निंग पोटेंशियल इज़ ऑल्सो देयर इन कैनेडा, व्हाट आई हैव फील्ड या व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस सो फार, सो फार सो गुड। और आई थिंक ये थोड़ा सा इंसाइट्स बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपका माइंड मेकअप हो जाए कि यार इज़ इट अ गुड डिसीजन टू गो फॉर, इतनी इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। सो वाई पीपल प्रेफर कैनेडा ओवर एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, या वाई अकाउंटेंट प्रेफर कैनेडा ओवर एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। सो दिस इज़ द पॉइंट्स एंड दिस इज़ द, मैं इसको सिंपल और शॉर्ट रखना चाहता हूँ, तो दैट्स इट। एंड थैंक यू सो मच, गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई वुड रिकमेंड यू गाइज टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट that you guys can direct message me and follow me on Instagram as well, where I can where I usually come online live in weekends. So that is my point. So milte hain phir, thank you so much.